लड़का मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, उसके घर में नौकरी होगा। नौकरी योग्यता के हिसाब से होगा, चेहरा देख के नौकरी नहीं मिलेगा अरुणाचल में। ये हम लोगों का तो हाथ खाली हो गया, पब्लिक को देने के लिए कुछ नहीं है, मगर भी ये अरुणाचल के भविष्य के लिए, अरुणाचल के फ्यूचर के लिए सही निर्णय है। आज अरुणाचल में स्पोर्ट्स पॉलिसी है, पहले स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं था, पेमा खांडू गवर्नमेंट के बाद अरुणाचल में स्पोर्ट्स पॉलिसी है युवाओं के लिए, जिसमें ओलंपिक को हाईएस्ट लेवल पे रखा गया है। अगर कोई भी अरुणाचल का बच्चा या बच्ची इंडिया में इंडिया का जर्सी पहन के ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेगा, 25 लाख रुपए तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही उसको एसआई का जॉब मिलेगा। अगर कोई भी अरुणाचल का बच्चा ओलंपिक खेलने जाएगा और उसे कोई भी मेडल मिलेगा, गोल्ड मिलो या सिल्वर मिलो, कुछ भी मेडल मिलेगा, उसको सरकार के तरफ से 3 करोड़ रुपया दिया जाएगा, डीएसपी का नौकरी तो उसका पक्का होगा। अरुणाचल में अन्य डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा 5% है, पुलिस में 10% है, इस प्रकार का गवर्नमेंट अरुणाचल में चल रहा है। आज नोटिस के अंदर में कुंजरानी देवी, मलेश्वरी देवी, आपका दिंगो सिंह, मेरी कॉम, अभी असम का आपका हेमा दास, ये सब छोटे छोटे घर से आने वाला है। हेमा दास तो झोपड़पट्टी से निकलने वाला लड़की है, आज वर्ल्ड में 5 बार गोल्ड मेडल मिला, आज विराट कोहली और उसका सेम एंडोर्समेंट का पैसा बराबर मिलता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स भी अरुणाचल में बहुत बड़ा एक कमाने का जरिया है, नौकरी का प्राप्ति होगा, सोसाइटी का नाम बढ़ेगा, एरिया का नाम बढ़ेगा, स्टेट का नाम बढ़ेगा। तो स्पोर्ट्स में भी अपने बच्चों को आजकल भेजना चाहिए। अंत में कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर आरोग्य योजना जो एक योजना है, जिसके तहत आपको हर घर में 5 लाख तक का बीमार होने में आपको सुविधा मिलता है, तो आप सब इसका हेल्थ कार्ड भी जैसे भी आप सबको बनाना है ताकि इसका लाभ आपको मिले। और अंत में जो कैंसर पेशेंट वगैरह है जो केमोथेरेपी लेते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख तक का फ्री किया हुआ है, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। तो सबके बीच में मैं बता दिया इसको, और आज मुझे आप सबने यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन मैं इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इन फ्यूचर ऑल्सो आपको कभी भी लगता है कि इस छोटा भाई का कुछ काम हो सकता है और मेरे लायक का कुछ भी होने से, आप सब याद कीजिए, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। और जैसे मेरा बेटा गोकर्ण ने कहा, अगले बार मुझे भी होस्ट करने का कभी मौका दीजिए, मैं भी आप सबका होस्ट करना चाहूंगा, कहते हुए मेरा वाणी को ये विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल प्रदेश, जय ध्वनि बोलो।